अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि YouTube आपके अकाउंट में पैसे कब ट्रांसफर करता है। एडसेंस अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट में YouTube पैसे कब ट्रांसफर करता है। दोस्तों आज मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों ये एक्सप्लेन करने से पहले आप दो चीज़ें देख लें। अभी देखें इधर आपको कितने डॉलर शो हो रहे हैं दोस्तों, 4.75। ये किधर है, वाइट स्टूडियो में। जब हम अर्न वाले पेज में आते हैं ना, देखिए मैं मार्क कर देता हूँ इधर। जब अर्न वाले पेज में आते हैं तो आपको इधर आपके टोटल डॉलर शो हो रहे होते हैं जो आपके अकाउंट में बन चुके होते हैं। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ एडसेंस अकाउंट में। ये गूगल क्रोम में आके आपने अपना एडसेंस अकाउंट ओपन कर लेना। मैंने ओपन किया हुआ है। अभी देखें दोस्तों इसमें कितने शो हो रहे हैं, 3.75। इसका क्या मतलब है, दोनों का फर्क कितना है, 1 डॉलर। आपका 20 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है आपका फर्क। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि YouTube एडसेंस अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे ट्रांसफर करता है और कब करता है। देखें दोस्तों इधर YouTube ने वाजे लिखा हुआ है, ये आप पढ़ें। देखें मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। देखें, पेड मंथली इफ द टोटल इज एट लीस्ट 100 डॉलर योर पेमेंट थ्रेशोल्ड। मतलब आपके अकाउंट में अगर 100 डॉलर कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर वो आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करता है। तो दोस्तों इतने तक आपने सुना होगा तो आप ये बोलेंगे मुझे भी मालूम है ये। तो जब आपके अकाउंट में 100 डॉलर होंगे एडसेंस अकाउंट में, फिर ही आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। लेकिन दोस्तों आप प्रैक्टिकली गौर नहीं करते हैं, जिस वजह से आप टेंशन में रहते हैं हर वक्त। टेंशन में दोस्तों कैसे रहते हैं, एडसेंस का जो डॉलर है आप कभी कभी देखते हैं, लेकिन जो ये वाइटी स्टूडियो के डॉलर होते हैं ये आप अक्सर चेक करते रहते हैं। तो दोस्तों ये जो डॉलर शो होते हैं आपको वाइटी स्टूडियो में, ये हमेशा आपको ज्यादा क्यों नजर आते हैं, ये भी आप सुन लें। दोस्तों ये जो आपको वाइट स्टूडियो में डॉलर शो होते हैं ना, ये 2 दिन पीछे का डाटा बस आपको शो हो रहा होता है। मतलब 48 घंटे पीछे का डाटा आपको शो हो रहा होता है वाइट स्टूडियो में, जो आपको डॉलर शो होते हैं। अभी देखिए इधर कितना है, 4.75। पीछे मैंने एडसेंस अकाउंट में दिखाया था कितना था, 3.75। इसमें फर्क कैसे है दोस्तों, अभी मैं आपको एडसेंस अकाउंट में लेके चलता हूँ। इधर दोस्तों एक बात गौर करने वाली है, अभी देखें दोस्तों मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। ये दिसंबर है, ये जनवरी है, ये फरवरी 17। अभी देखें दोस्तों मैं अभी लाइन खत्म करता हूँ। अभी देखें दिसंबर, 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक मेरे अकाउंट में कितने डॉलर हैं, 2.31। 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक कितने डॉलर हैं, 2.31। उसके बाद 1 जनवरी से 31 जनवरी तक कितने हुए हैं, 3.75। मतलब ये 2 महीने का डाटा अपडेट हो गया। अभी 3 नंबर पे देखें, ये वाला जो 3 नंबर है ना, 1 फरवरी से 17 फरवरी तक फिर भी कितने डॉलर दोस्तों शो हो रहे हैं, 3.75। हालांकि इधर ज्यादा होने चाहिए थे, ये ज्यादा क्यों शो नहीं आ रहा दोस्तों, ये भी सुन लें। देखे दोस्तों अभी फरवरी का महीना चलता है ना, ये मैं फरवरी में समझो वीडियो बना रहा हूँ ना, तो मेरा डाटा अपडेट हुआ है 1 जनवरी से 31 जनवरी तक। क्योंकि दोस्तों एडसेंस की ये पॉलिसी है कि जो भी आप इनकम करते हैं यूट्यूब से, तो वो आपके एडसेंस अकाउंट में जमा की जाती है 7 तारीख से 12 तारीख तक अगले महीने की। मिसाल के तौर पर मैंने जो ये अर्निंग की है ना, ये 3.75, ये जनवरी वाली, ये समझो 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख फरवरी की मैंने चेक करके देखा, ये सेम ही है, ये नहीं बढ़ती है। जब दोस्तों अगले महीने की 7, 8, 9, 10, 11, 12 किसी भी डेट में आपका डेटा अपडेट हो जाता है, फिर आपके डॉलर इधर आपको इंक्रीज हुए हुए नजर आते हैं। इसके बावजूद दोस्तों अगर आप वाइटी स्टूडियो में देखेंगे
कि आपके डॉलर ज्यादा है, लेकिन एडसेंस अकाउंट में आप आएंगे तो आपको डॉलर कम शो होंगे। उसकी वजह यही है क्योंकि वाईटी स्टूडियो में आपको सिर्फ 2 दिन का पीछे डाटा शो हो रहा होता है, जब से एडसेंस अकाउंट में आपका डाटा कम से कम ये समझो 1 तारीख से, मैं जनवरी की मिसाल देता हूँ, 1 तारीख से 31 तक आपको डेटा शो हो रहा होता है, बाकी के 7 दिन 8 दिन जो वाईटी स्टूडियो में जमा हुए हैं वो इधर शो नहीं होते, इसीलिए आपको एडसेंस अकाउंट में कम पैसे शो होते हैं। प्रैक्टिकल भी आपके सामने एग्जांपल है कि मेरे अकाउंट में वाईटी स्टूडियो में आपको 4.75 डॉलर शो हो रहे हैं, जबकि इधर एडसेंस अकाउंट में कितने शो हो रहे हैं, 3.75। अभी देखें दोस्तों, मेरे फरवरी में जो डॉलर इंक्रीज होंगे, अभी फरवरी का महीना मिसाल ले लेते हैं, 29 तक है, मतलब 29 दिन का फरवरी का महीना है, तो मेरे डॉलर जो 29 तारीख तक इंक्रीज होंगे, वही डॉलर मार्च में 7 तारीख को हो सकते हैं, 8 को हो सकते हैं, 9 को, 10 को, 11 को, 12 को, किसी भी डेट में अपडेट हो जाएंगे मेरे इधर एडसेंस अकाउंट में। जब मैं मार्च में इधर देखूंगा ना दोस्तों, 7 तारीख के बाद इधर मुझे डॉलर ज्यादा शो होंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने देखा होगा वाइट स्टूडियो में 4.75 है, और भी इंशाल्लाह डॉलर होंगे तो वो इधर जमा हो जाएंगे। तो मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैं भी दोस्तों वीडियो देखता हूँ पुराने यूट्यूबर्स की, आप भी देखते होंगे, जब तक आपके जहन में कोई प्रैक्टिकल चीज आपको नहीं दिखाई जाती है वो फिर आपको भूल जाती है, आपको इतना आइडिया नहीं होता है। इसलिए दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ जो वीडियो प्रैक्टिकल बनानी हो, मैं कोशिश करता हूँ आपको अपने चैनल से दिखाऊं, ताकि अपने चैनल से दिखाऊंगा फिर आपको आइडिया होगा कि ये सही बात है। अभी दोस्तों आपके जहन में एक सवाल आ सकता है कि 7 से 12 तारीख ये 5-6 दिन क्यों रखे गए हैं, 7 तारीख क्यों नहीं रखी गई, 8 क्यों नहीं रखी गई, 9 क्यों रखी नहीं रखी गई, इसकी दोस्तों मैं आपको वजह बताता हूँ। दोस्तों ये इसीलिए अपडेट होते हैं 7 से 12 तक, मिसाल के तौर पर हफ्ता आ जाता है, इतवार आ जाता है, मतलब सैटरडे आ जाता है, संडे आ जाता है, तो वो छुट्टी का दिन होता है। आपके मुल्क में किसी में फ्राइडे में छुट्टी हो सकती है, किसी में हम सैटरडे को, किसी को संडे को, वो बैंक बंद होने की वजह से यूट्यूब ने 6 दिन रखे हैं कि किसी दिन भी ट्रांसफर हो जाती है पेमेंट, तो एडसेंस की बात होगी। और इस जगह में जब दोस्तों आपको डॉलर शो होंगे 100 से ज्यादा या मिनिमम 100, देखे ना इधर लिखा हुआ एट लीस्ट 100 डॉलर, जब आपके इधर 100 डॉलर या 105 डॉलर शो हो जाएंगे, फिर दोस्तों आप देखना उस महीने की, मिसाल के तौर पर अभी फरवरी चल रहा है ना, इस फरवरी में इधर आपको डॉलर 100 शो हो जाता है या 100 से ज्यादा, फिर 20 तारीख के बाद 21 से 26 तारीख के दौरान आप देखेंगे इधर 0 हो जाएगा, इधर 0 शो हो जाएगा, फिर दोस्तों आप टेंशन में भी आ सकते हैं, इसलिए मैंने मार्क करके बताया, इधर 0 हो जाए तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको खुशी होने की बात है, क्योंकि दोस्तों ये जो इधर आपको 0 डॉलर शो हो गया ना, 21 से 26 तारीख के दौरान आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। फिर आपके जहन में आ सकती है कि 21 तारीख क्यों नहीं रखी गई, 22 नहीं 23 नहीं 24 नहीं, ये 4-5 दिन का गैप क्यों रखा गया है। दोस्तों इसके पीछे भी वही वजह है कि कोई छुट्टी आ सकती है, आपके बैंक अकाउंट बंद हो सकते हैं, तो उस वजह से यूट्यूब ने ऐसे डेट दी हुई है। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको डेट्स बताई है ना, 7 से 12 तक आपके एडसेंस अकाउंट में डॉलर जमा हो जाते हैं, और 21 से 26 तक आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर हो जाते हैं। दोस्तों ये मैं यूट्यूब की पॉलिसीज के मुताबिक बता रहा हूँ, अभी मैं दोबारा पॉलिसीज खोलूंगा, ओपन करूंगा तो वीडियो और लंबी होती जाएगी। ये मैंने ऑलरेडी आपको प्रैक्टिकल भी शो किया हुआ है कि इस डेट को पैसे ट्रांसफर होते हैं। तो दोस्तों अभी मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि आपके वाईटी स्टूडियो में डॉलर क्यों शो ज्यादा होते हैं, और एडसेंस अकाउंट में क्यों डॉलर कम शो होते हैं, और आपके एडसेंस अकाउंट से बैंक अकाउंट में डॉलर कब ट्रांसफर होते हैं। दोस्तों ये भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, और कितने डॉलर कम से कम होने चाहिए आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होते हैं, ये भी आपको समझ आ गई होगी। इसलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये आज की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव साबित होगी, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, उससे ये होगा ना जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।